नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ सकते हैं। उनकी जगह रोहित शर्मा को टीम की कप्तान दी जा सकती है। विराट अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए ये बड़ा कदम उठा सकते हैं। 32 साल के कोहली टीम इंडिया के सफल कप्तानों में से एक है। विराट कोहली के इस मुद्दे पर रोहित और टीम मैनेजमेंट से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लंबी बात की गई थी। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में होने हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। विराट कोहली छोड़ेंगे कप्तानी, रोहित होंगे टीम इंडिया के नए कप्तान, टीम में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक विराट कोहली पिता बनने के बाद बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। सूत्रों ने कहा है विराट इसकी खुद घोषणा करेंगे। उनका मानना है कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने के लिए वापस जाने की जरूरत है। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल का खिताब दिला चुके हैं दूसरी, और कोहली ने बतौर कप्तान अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। इसके अलावा वो आईपीएल का खिताब भी नहीं जीत सकते। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी बांटने का फैसला किया है। विराट कोहली ने बीते कुछ महीनों में रोहित शर्मा और टीम प्रबंधन के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की है। इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की जीत के बाद से ही ये बातचीत चल रही थी। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के दबाव के चलते विराट कोहली के बल्लेबाजी पर काफी असर पड़ा है। कोहली को भी लगता है कि सभी फॉर्मेट में उनके बल्लेबाजी को अधिक समय और अधिक गति की आवश्यकता है। वैसे भी 2022 और 2023 के बीच भारत 2 वर्ल्ड कप, वनडे और टी20 खेलने हैं, ऐसे में ये और भी जरूरी हो जाता है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि विराट ने यह भी महसूस किया है कि सभी फॉर्मेट में कप्तान के रूप में उनके जिम्मेदारियां उनकी बल्लेबाजी पर भारी पड़ रही हैं। उन्हें स्पेस और फ्रेशनेस की जरूरत है क्योंकि उनके पास टीम को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। रोहित व्हाइट बॉल के लिए कप्तान के रूप में कार्यभार संभालते हैं तो विराट टेस्ट में भारत का नेतृत्व करना जारी रख सकते हैं और अपनी टी20 और वनडे बल्लेबाजी पर भी काम कर सकते हैं। विराट अभी सिर्फ 32 साल के हैं। उनकी फिटनेस को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह अभी आसानी से कम 5-6 साल क्रिकेट और खेलेंगे। ऑफ इंडिया के सूत्रों ने आगे कहा कि अगर रोहित शर्मा की बात करें तो वो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं और टी20 की कप्तानी के रिकॉर्ड में भी किसी से भी पीछे नहीं है। रोहित को अगर व्हाइट बॉल कप्तान के रूप में कभी कमान संभालनी होती तो यही वो समय है। रोहित अगर कप्तान बनते हैं तो ये भारतीय टीम के लिए फायदे का सौदा होगा क्योंकि रोहित और विराट की एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है जो हमें मैदान पर अक्सर देखने को मिलती है। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल का खिताब दिला चुके हैं दूसरी ओर कोहली ने बतौर कप्तान अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। इसके अलावा वो आईपीएल का खिताब भी नहीं जीत सके हैं। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि रोहित जल्दी ही कप्तानी के रूप में आपको मैदान पर जरूर दिखेंगे। वो
वहीं इन सबको लेकर हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट देवाशीष भी जुड़ गए हैं। देवाशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी ये खबर है कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ सकते हैं, आपकी क्या राय इस पर? देखिए, एक ये बहुत बड़ा फैसला होगा निश्चित तौर पे, लेकिन अगर हम विगत दिनों में जो कप्तानी का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, खासकर जब आप इंडिया जैसी कंट्री की कप्तानी करते हैं जहाँ पे खेल को एक धर्म की तरह और क्रिकेटर को एक सेमी गॉड की इमेज की तरह रखा जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है जिसको हैंडल करना हर किसी के बस में नहीं होता जी। और जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अगर विराट खुद फैसला ले रहे हैं तो ये बहुत एक मैच्योर्ड क्रिकेटर का फैसला हम कह सकते जी, बिल्कुल। कि कुछ दिनों से हम उनके उस प्रेशर को उनके बैटिंग पे भी देख रहे थे जी। कि बैटिंग में भी उनको वो प्रेशर हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था जी। और जिस तरीके से वो आज के समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे कप्तानी करना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन साथ साथ अपने प्रदर्शन से जो भारतीय टीम को वो मदद कर सकते हैं वो चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला, अहम फैसला उनकी जिंदगी के लिए भी होगा कि हम विराट को बहुत सारी और उपलब्धियों में देखना चाहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हमेशा मतलब ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन में बनता हुआ देखना चाहते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी ने भी यही कहा था कि एक विराट और रोहित हैं जी। तो जिसमें मुझे लगता है कि विराट उनके बहुत आसपास हैं और उनके रिकॉर्ड्स को वो ब्रेक करने की बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री रख के और बैटिंग में जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि विराट भारत को बहुत बड़ा एक जो बेनिफिट है बैटिंग का वो मिलेगा जी। जैसे कहा जा रहा था कि विराट की जो परफॉर्मेंस है वो शायद कप्तानी की वजह से कहीं हल्की सी कम हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उनके बल्लेबाजी देखा जाए पिछले कुछ दिनों में तो काफ़ी मतलब उनके प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट आई है जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला है कि एक कप्तानी का प्रेशर और इंडिया जैसी कंट्री की कप्तानी करना, बिल्कुल, वैसे बहुत सम्मान की बात होती है और बहुत बड़ा प्रेशर होता है जी, जिसको हैंडल करना वाकई तौर पर बहुत निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ बहुत मुश्किल होता है। और अगर जो उनकी बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, जितना जितना स्मूथ और जितना रिदम हम रिदमिक बैटिंग उनका देखा करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको उसमें कहीं ऐसा एक प्रेशर उनके चेहरे पे भी दिखता था। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे विराट को, नए विराट को उस विराट रूप में हम देखना पसंद करेंगे जी। तो एक बहुत अच्छा फैसला, मैं खुद पर्सनली समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला जी। तो आपको क्या लगता है कि विराट अगर कप्तानी से हटेंगे तो विराट के पास जो आईसीसी की ट्रॉफीज जो सूखा रह गया था भारत के पास उनकी कप्तानी में नहीं आया, क्या रोहित की कप्तानी में आ जाएगी जितनी भी आईसीसी ट्रॉफीज बड़ी हैं? देखिए, ये तो सब सबकी डेस्टिनी, सबका नसीब होता है जी, और विराट के नसीब में है नहीं है ये हम नहीं कह सकते जी। बट अगर जहाँ देश की बात आती है, जहाँ देखिए यहाँ पे हम देश को सर्वोपरि रख रहे हैं, ये पर्सनल एक वो रहता है कि हम हमारी कंट्री की कप्तानी कर रहे हैं और उसमें कोई हम ट्रॉफी हम जीत के ला रहे हैं आईसीसी, और वो भी आईसीसी का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होती है। बट अगर कहीं आपको लगता है कि विराट उस जस्टिस अपनी बैटिंग से जस्टिस नहीं कर पा रहे, वो कप्तानी तो कर रहे हैं अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैटिंग से अगर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं खुद, वो निजी तौर पर अगर ये सोचते हैं, क्या ये मान सकते हैं कि प्रेशर नहीं झेल पा रहे कप्तानी का? होता है सर, देखिए क्या होता है कि अमन जी बहुत बड़ा प्रेशर होता है और इंडिया में कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। जब आप इतने 125 करोड़ हैं, उसमें से जो आपके इतने करोड़ों जो फैन हैं आपके, जिनको आपको जो आपको एक सेमी गॉड इमेज रखते हैं, और जो हारना किसी को पसंद नहीं होता है, और हम हमारी कंट्री को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो देखिए वो भी इंसान है, विराट भी एक इंसान है, और हम सब चाहते हैं कि विराट पे प्रेशर, कप्तानी का प्रेशर अगर हटता है तो वो निश्चित तौर पे बैटिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज और बहुत बड़ा बेनिफिट देश को दे सकते हैं वो जी। जिस तरीके से लोग कह रहे थे, मतलब तमाम क्रिकेट दिग्गज जितने, उनका यही मानना था कि विराट कोहली अगर कप्तानी से हटेंगे तो वो जो उनकी जो बैटिंग है उसमें और निखार आएगा और बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, 200 तक भी पहुंच सकते हैं, दोहरे शतक तक भी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक वो निश्चिंत होकर अगर बैटिंग करते हैं और तो उनका एक क्लास अलग दिखता है, लेकिन जहां पे देखिए क्या होता है, जब आप कप्तानी करते हैं तो सबसे बड़ा हम जो व्यूवर्स हैं उनका एक सबसे बड़ा आकलन होता है हारना और जीतने पे। तो हम अगर टेस्ट मैच शुरू होता है या वनडे शुरू होते हैं या T20 शुरू होते हैं तो हम हमारी टीम को हमेशा जीतना हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो जो प्रेशर है वो बहुत बड़ा प्रेशर एक कप्तान पे निश्चित तौर पे होता है। और मुझे लगता है कि बहुत मैच्योरिटी भरा एक अगर जिस तरीके से विराट को ट्रोल किया जा रहा था कि विराट कोहली खुद कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर विराट कोहली खुद आकर ये बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद या फिर IPL के बाद किसी के बाद कप्तानी में छोड़ दूंगा, तो काफी बड़ा फैसला होगा विराट की तरफ से। जी डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैच्योर क्रिकेटर हैं, जिस तरह से बहुत बड़े प्लेयर हैं विराट, तो मुझे लगता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो निश्चित तौर पे देश की बेहतरी के लिए होगा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और खुद के पर्सनल लैंडमार्क की बेहतरी के लिए होगा। जी जैसे हमने विराट की तो बड़ी बात कर ली, अगर रोहित शर्मा पर आए दूसरी तरफ जिनको कप्तानी मिल सकती है, अगर विराट कोहली कप्तानी छोड़ते हैं अपनी, तो रोहित शर्मा के बल्लेबाजी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि रोहित ने जिस बखूबी से IPL में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है और लगातार मुंबई इंडियंस को विजेता होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और वो आप देखेंगे तो जो उनका परफॉर्मेंस है वो निखरता गया है। तो क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, फ्रंट से लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया, और जैसे दिन ब दिन आप देखेंगे तो रोहित में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जी जिस तरीके से रोहित उनकी बैटिंग में निखार भी आता गया है। देखिए ये कई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनको अगर एडिशनल कोई प्रेशर मिलता है तो वो उस प्रेशर में बहुत अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित ने हमेशा उस प्रेशर में अपना सबसे बेहतर ही देने की कोशिश की, और जब सेनापति फ्रंट से लीड करता है, देखिए यहाँ अगर रोहित बनते हैं तो मुझे लगता है कि अगर रोहित फ्रंट से लीड करते हैं तो देश को एक, देखिए भारतीय टीम को एक, जब भी आप भाई ये होता है अपना हमारा सेनापति फ्रंट से लीड कर रहा है तो बाकी भी जो प्लेयर्स है उनमें भी एक नया उत्साह का वर्धन होता है। जी। तो ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन और टीम के परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसका। तो क्या हम इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि धोनी जिस तरीके से टीम से फिर से जुड़ने वाले हैं, मेंटर बनेंगे, तो क्या उससे कहीं इसको लिंक किया जा सकता है? देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा अगर निजी तौर पे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन देश के हित में है, टीम के हित में है, विराट के खुद के हित में है और रोहित के हित में है। तो मुझे लगता है कि ये BCCI अगर ये डिसीजन लेती है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बदला हुआ स्वरूप हमको देखने को मिल सकता है। जैसे विराट कोहली सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो कई लोग उसमें ट्रोल भी कर रहे हैं कि विराट कोहली कप्तानी से हटाए जा रहे हैं, वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज विराट जिस पोजीशन पे है वहां उनको हटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि विराट खुद इतने मैच्योर्ड क्रिकेटर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि ये डिसीजन, अगर देखिए BCCI भी तभी डिसीजन लेगी जब विराट, मुझे लगता है कि विराट की सहमति होगी तो। जी बिल्कुल, क्योंकि आज हम ये बहुत कोई लंबा समय नहीं है प्रिपरेशन के लिए, आप IPL में बिजी हो जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप की होगी, तो ऐसा कोई डिसीजन BCCI नहीं लेना चाहेगी कि जिससे प्लेयर्स में या टीम में कोई परेशानी हो। अनलेस विराट खुद अगर ये डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि तभी BCCI ये बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है कि रोहित को उनकी जगह रिप्लेसमेंट में कप्तान बनाया जाए। जी देवाशीष जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, आप क्रिकेट को इतनी नजदीकी से देखे हैं, खेले भी हैं, तो ये मेरा आपसे सवाल होगा कि जिस तरीके से विराट कोहली अगर T20 सीरीज होती है या फिर वनडे होता है तो ये बड़े आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन ICC ट्रॉफीज पे क्या हो जाता है विराट की कप्तानी में? देखिए ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि विराट बहुत एग्रेसिव क्रिकेटर है, एग्रेसिव कैप्टन है, और धोनी की हम जब तुलना करते हैं तो धोनी बहुत काम कूल कस्टमर रहे हैं। तो क्या होता है जब बहुत एग्रेसिव कोई क्रिकेटर होता है या कप्तान होगा तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कई बार आपको आपके फेवर में नहीं हो पाते हैं। तो और जब कूल और काम अगर कोई कप्तान होता है तो वो उसके सोचने की क्षमता ज्यादा होती है, थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके से चलता है,
और वो फिर डिसीजन जब लेते हैं तो वो भावनाओं में बह के नहीं लेते, वो प्रैक्टिकल रूप में देख के लेते हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक विराट को जो मैं पर्सनली जो देख पाया हूँ कि इमोशंस कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं उनपे, तो निश्चित तौर पे बहुत एग्रेसिव कप्तान को कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो उनको उनके फेवर में नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने एंग्री की बात करी, गुस्से में रहते हैं, मतलब उस जज्बे के साथ मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना, इंग्लैंड में जीतना, तो ये भी कहीं विराट के ही मतलब उनके ही फेवर में गया है। डेफिनेटली देखिए, आज जिस ऊंचाई में टीम पहुंची है वो निश्चित तौर पे विराट, देखिए धोनी की लिगेसी को हम कह सकते हैं कि विराट ने बहुत अच्छे से कैरी किया है जी। और विराट ने टीम को बनाया है, टीम को एक यूनिट की तरह वो रख रहे हैं। देखिए रोहित उनके पास रहते हैं, कोई राइवलरी हमको नहीं दिखती है और रोहित से वो बराबर विचार विमर्श परामर्श करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और जब आप देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी रिव्यू की बात होती है तो वो बराबर अपने प्लेयर्स को उसमें एक हिस्सेदारी रखते हैं और कई बार हमको लगता है कि वो नहीं भी अगर एग्री करते हैं तो अपने प्लेयर की भावना को, इमोशंस को को ध्यान में रखते हुए कई बार वो रिव्यू लेते हैं और वो गलत भी होते हैं। बट वहां में कप्तान, यही एक कप्तान का की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे वो अपनी टीम पे भरोसा करते हैं और अपनी टीम के प्लेयर्स को कितने विश्वास जताते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान विराट ने दिया और ये हो सकता है कि हम ये कहें कि T20 में हम रोहित को चांस दे सकते हैं, बाकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे में विराट अपनी कप्तानी बरकरार रख सकते हैं जी। और एक लोड कम होता है तो उसका बैटिंग में ज्यादा अच्छे से वो शिफ्ट होके और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, लोड की आपने जो बात करी वो सचिन तेंदुलकर पे भी था, जिस तरीके से कप्तान वो बनाए गए थे तो उनकी जब परफॉर्मेंस थी वो भी कम हुई थी जी। बिल्कुल, देखिए यही फर्क होता है कि सचिन भी कप्तानी में कोई बड़ा आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, लेकिन जब वो जब टीम ने उनको जो जीता है, उनके लिए जो जितवा के दिया है, तो उनका प्रेजेंस ही बहुत बड़ा मायने रखता है और उन्होंने फ्रंट से लीड किया था। देखिए कप्तान होना कोई जरूरी नहीं है, आप ड्रेसिंग रूम में आप कप्तान की तरह ही रहते हैं और सचिन ने हमेशा ड्रेसिंग रूम में एक कप्तान के रूप में सचिन को देखा जाता था और सारे प्लेयर्स उनसे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, विकेट कैसा है, कैसा हमको अप्लाई करना है, वो सब बहुत अहम जिम्मेदारी सचिन निभाते थे, तो वही जिम्मेदारी अब विराट निभा सकते हैं जी। जिस तरीके से खबरें आ रही थी, मतलब बीसीसीआई की तरफ से भी था कि जो आपस में मतभेद चल रहा है विराट कोहली, रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के बीच, क्या इन सब का ये नतीजा यही है कि ऐसी मतभेद की जो खबरें थी वो सिर्फ अफवाह थी? नहीं, मुझे लगता है सिर्फ अफवाह है, क्योंकि देखिए टीम का परफॉर्मेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और टीम जीत रही है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसे मतभेद कोई हमको दिखते हैं। हाँ देखिए क्या होता है कि जब एक बराबर के प्लेयर्स होते हैं तो व्यूज आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब टीम की बात आती है, तो सब जो एक यूनिट की तरह जब आप खेलते हैं और सारे कंबाइंड डिसीजन लेते हैं तो सब एक दूसरे के डिसीजन का सम्मान करते हैं। और मुझे इंग्लैंड टूर में तो कतई ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी कोई हमें ऐसा कोई गुंजाइश दिखी है या कभी ऐसा देखने को मिला है कि टीम मैनेजमेंट में या विराट में या रोहित में कहीं कोई कंफ्लिक्ट जैसी कि कोई मुझे चीज नहीं लगी। ये अफवाह वहीं से उड़ी थी कि इंस्टाग्राम पर वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल अफवाह वहीं से। देखिए क्या होता है, हम मैच देखिए, दो मैच हम हारी हुई पोजीशन से हमने मैच जीते जी, तो वहां मुझे नहीं लगता कि टीम में मतभेद हो तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कोई भी टीम नहीं कर सकती। जो तस्वीरें सामने आती मैदान से टेस्ट मैचों, अभी हाल ही में देखे इंग्लैंड दौरे पर, तो काफी अच्छी तस्वीरें थी रोहित और विराट के बीच जो सामने आई थी। देखिए क्या होता है, जब दो बराबर के होते हैं तो किसी भी एक किसी व्यू पे आपको अलग अलग व्यू हो सकते हैं जी, और वहां पे होता भी है कि हम उनके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं जाए कि कोई झगड़ा हो रहा है या हो रहा है। बिल्कुल, जब बराबर के होते हैं तो एक बराबर की ही एक प्लेटफॉर्म पे आके बात की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मनमुटाव भी नहीं दिखा मुझे जी। और दोनों ने बराबर टीम को और दोनों साथ लेके चले हैं टीम को, और विराट की भी एक मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने रोहित को बराबर इंपॉर्टेंस दिया है। बिल्कुल, ऐसा नहीं लगा कि वो रोहित को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाह रहे हैं या रोहित के व्यू को
या कोई भी स्ट्रैटेजी बनती है तो उसमें रोहित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है और विराट ने उसका सम्मान किया है। जी, जिस तरीके से ये भी था कि फैंस जो मांग कर रहे थे कि विराट कोहली को मतलब टेस्ट में कप्तान रहने दीजिए, वनडे में रहने दीजिए, T20 से एक बार सिर्फ आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो IPL की ट्रॉफीज हैं वो रोहित शर्मा के पास हैं, तो ऐसे में लोगों की मांग थी, तो अब लोगों की मांग लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। देखिए, ये देश के बेहतर के लिए, ये अगर BCCI अगर ये निर्णय लेती है और विराट खुद अगर कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर हमको एक बहुत अलग विराट का विराट रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर मैं आपको दावे से कहता हूँ कि विराट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उसमें हम उनको देख सकते हैं कि वो बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो बैटिंग से कप्तानी से जैसे फ्री होते हैं तो बैटिंग में एक अलग विराट रूप हमको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। बिल्कुल, जो हमें पहले देखने को मिलता था धोनी की कप्तानी में, वैसा ही रूप देखने को मिलेगा। जी। तो एक ये भी खबर थी कि जिस तरीके से विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं तो वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। टेस्ट मैचों में भी यही सवाल खड़े किए गए कि भैया जो कप्तानी का प्रेशर है क्या विराट पे हावी हो रहा है, ऐसे में क्या इसी सबको देखते हुए विराट ने सोचा कि चलिए मैं कप्तानी जो T20 के जो प्रेशर है वो रोहित को देता हूं। नहीं, देखिए इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को भी देखेंगे तो वहां पे भी T20 या इंग्लैंड में आप देखेंगे तो T20 में मॉर्गन बहुत अच्छा लीड कर रहे थे, मॉर्गन ने चैंपियन बनाया टीम को और बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे और वो टेस्ट क्रिकेट में जगह भी नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ ऐसा होता है कि हर एस्पेक्ट और टेम्परामेंट, देखिए शॉर्टर फॉर्मेट का एक गेम बहुत अलग तरह से हो जाता है, बहुत डिमांडिंग होता है टेस्ट क्रिकेट और वनडे थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वहां पे मुझे लगता है कि एक अगर उस तरह के कप्तान हमको मिलता है जो एक बहुत इंस्टेंट और बहुत फ्रिक्वेंट डिसीजन ले सकता है और बहुत सोच समझ के ले सकता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वो अल्टीमेटली देखिए फायदा भारतीय टीम का ही होगा। बिल्कुल, भारतीय टीम का होगा और भारतीय फैंस का होगा। जब ICC ट्रॉफीज आएंगी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज आएंगी तो सारे फैंस खुश होंगे। और देखिए विराट अगर छोड़ते हैं और विराट अगर एज ए प्लेयर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हीरो बन के लौटे विराट, अकेले के बल पे T20 चैंपियनशिप जीतवा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके जो सूखा पड़ा है, जी जिस तरीके सूखा पड़ा है ICC ट्रॉफीज का, चैंपियंस ट्रॉफीज का, वो शायद अब रोहित के कप्तानी में भारत के पास आ जाए। देवाशीष जी, जी देवाशीष जी, आपसे यही सवाल रहेगा, जिस तरीके से भारत ने यहां पर बड़ा फैसला, या फिर कह सकते हैं कि विराट कोहली का फैसला, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर ICC ट्रॉफी जितनी भी थी वो भारत की झोली में नहीं आ रही थी, ऐसे में बड़ा फैसला विराट कोहली की तरफ से माना जाता है ये? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हमें विराट अगर इस तरह से कोई विराट फैसला करते हैं तो विराट के इमोशंस को और जज्बात को हमको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता देश की कप्तानी छोड़ना। मैं नहीं समझता कि हर किसी के बस में होता है, ये बहुत बड़ा दिल वाला ही जो खिलाड़ी है वो कर सकता है, और विराट अगर ये कर रहे हैं, अगर इस तरह सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा डिसीजन, और मुझे लगता है कि फिर हमारे लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। और रोहित का एक एक्सपीरियंस है, रोहित का एक टेम्परामेंट अलग है, और रोहित का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो निश्चित तौर पे कई बार देखिए क्या होता है कि किस्मत भी किसी के साथ चलती है, तो मुझे लगता है कि जब रोहित की किस्मत मुंबई इंडियंस इतने सालों से मुंबई इंडियंस के साथ चल रही है तो हमें भी लगता है कि भाई भारतीय टीम के साथ भी चलना चाहिए, और भारतीय टीम के फैंस को एक तोहफा रोहित और विराट मिलके दे सकते हैं T20 वर्ल्ड कप ला के। देवाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, तो आपने देखा जिस तरीके से विराट ने बड़ा फैसला लिया है, तो ऐसे में क्या देखने वाली बात होगी कि विराट के फैसले से भारत के पास ICC ट्रॉफीज आती हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे में सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर विराट कोहली कप्तानी छोड़ते हैं तो क्या रोहित कप्तान होंगे, और रोहित अगर कप्तान होते तो IPL के हम नतीजे नहीं दे सकते। जिस तरीके से भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है विराट के उसमें, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे बड़ी खबरों के साथ।